दोस्तों हम लोग भाई खल्ला जू भी जू पार्क में पहुंच चुके हैं। ये जू पार्क का ये पहला वाला गेट और दूसरा गेट वहां पड़ेगा। हम लोग रोड से बाहर हैं इसलिए इधर से दिखा रहे हैं। दूसरा गेट वहां पे है, पहला वाला गेट इधर है। देखिए अजगर का चित्र लगा हुआ है। अभी अंदर चलते हैं। देखो तो आप सभी का स्वागत है MDRF इंडियन ब्लॉगर में। और आप सब कैसे हो भाई? तो आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम आए हैं भाई खल्ला जू में। देखिए हमारे साथ कैफ है और हम आए घूमने के लिए कैफ जू जू में पार्क में। देखते हैं अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं। अभी अंदर घुसे हैं, जस्ट वो गेट से अंदर आए हैं। आप लोगों को दिखाया था वो गेट से अंदर आए हैं। अभी चलते हैं अंदर की तरफ, टिकट लेते हैं, देखते हैं कितना टिकट है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुंबई जू। तो दोस्तों ये है पूरा मतलब पार्क का पूरा नक्शा बना हुआ है। आप लोग कहाँ कहाँ से मतलब कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या दिखेगा। पहले नंबर दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हाथी है, दूसरे नंबर पे शेर है, ऐसे मतलब सभी नंबर लिखा हुआ है ताकि आप लोग भूले नहीं। अंदर चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं उसके बाद चलते हैं, वहाँ पे टिकट मिलेगा। दोस्तों ये लिखा हुआ है प्राइस कितना कितना क्या क्या है। हम लोग टिकट ले चुके हैं, चलते हैं अंदर। तो डायनासोर का चित्र बना हुआ है। डायनासोर है नहीं, जिंदा मतलब पुतला बना हुआ है। वो गेट से हम लोग अंदर चलेंगे। वो गेट दिख रहा है, वो गेट से अंदर चलना पड़ेगा। वो सॉरी, वो बाहर आने के लिए गेट है, वो वाला गेट है, वो वाला गेट से अंदर चलेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों शेरों का वो लगा हुआ है, सभी कुछ बंदर का सभी चीज़ का पुतला बना हुआ है। यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए झरना दिखाया गया, पानी गिर रहा है। ये एग्जिट डोर है, ये एंट्री करने के लिए है। शेर का स्टैचू है, हाथी का स्टैचू है। यहाँ से एंट्री है, अंदर चलते हैं। यहाँ से जगह जगह पे लगा हुआ है गाइड करने के लिए। देखिए लिखा हुआ है योर गाइड, मतलब जगह जगह पे पूरा नक्शा बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग भूलें ना, इसलिए शिवाजी महाराज का पुतला लगा हुआ है। यहाँ पे चलते हैं आगे तक, देखते हैं आगे। गार्डन इतना बड़ा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है लायन। दोस्तों हम लोग पहले वाले पहुँच चुके हैं जहाँ पे हाथी नंबर लिखा हुआ था, हाथी का। देखिए यहाँ पे हाथी है, देखिए पहले नंबर पे हाथी है। देखो हाथी वहाँ पे है, एक ही हाथी है यहाँ पे। अभी देखने को एक ही हाथी मिल रहा है। इतनी जगह में हाथी को रखा गया है। तो आगे चलते हैं लाइन वाले पे। ये देखिए बगल में लाइन का है। देखते हैं शेर का। कोई पहली बार आए हैं पार्क में घूमने के लिए, असली शेर तो अभी तक देखे नहीं थे, लेकिन अभी चलते हैं देखते हैं। अगर जो होएगा तो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो लाइन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइन को रखा गया था और यहाँ पे लाइन का शेर बना हुआ है स्टैचू। चलते हैं बाहर, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कहीं दिख ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे है नहीं, लगता है हटा दिए गए हैं। चलते हैं दूसरे तीसरे नंबर पे। अभी तो दोस्तों ये तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादातर लोग गेंडा बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है पोपट एम्बूस ग्रास अंदर वाटर भी लिखा हुआ है, मतलब कई जगह के नाम लिखा हुआ है। वहाँ पर देखिए स्विमिंग पूल उसके लिए बनाया है। वहाँ पे देखिए वो है, उस तरफ से दिखाता हूँ आप लोगों को, कुछ ज़रूर दिखेगा। वो अंदर में बैठा हुआ है। ये देखिए दो लोग हैं, दो अपने साथ साथ लेटे हुए हैं, दो लोग हैं। देखिए जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दो लोग हैं पानी में अपना बैठे हुए हैं। मतलब कई जानवर हैं, मतलब कई जानवरों को हटा दिए गए हैं यहाँ से, तो कई जानवर यहाँ पर हैं अभी। ये देखिए सांबर, सांबर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हैं, मतलब हर जगह हर चीज़ का मतलब नाम लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है सब कुछ। यहाँ पे देखिए कबूतर भी हैं और सांबर, वो देखिए खड़े हैं दो लोग, दो तीन लोग हैं। तो यहाँ से इतना साफ पता नहीं चल रहा है। देखिए दो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, हैं दो लोग सब कबूतर। तो यही पार्क के अंदर ही बना हुआ है, खाने वाने का भी व्यवस्था है, फास्ट फूड मिल रहा है, कॉफ़ी वॉफी सब कुछ यहाँ पे मिलेगा अंदर में ही आप लोगों को सब कुछ। तमाम बच्चे भी हैं, देखिए यहाँ पे कांच लगा हुआ है, कांच के बाहर भी आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे खड़े होकर। तो आ रहा है
तो खूबसूरत लग रहा है। रात में हो सकता है लाइटिंग वाइटिंग किए होंगे, देखने तो पता नहीं। मिले पेंगिंग कच्छ में देखते हैं अंदर, लोग अंदर आ चुके हैं। अभी देखते हैं अंदर से किधर किधर क्या क्या निकला है। पेंगिंग्स देखने के लिए चल रहे हैं। यहाँ पे आवाज़ अलग हो रही है। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाया जा रहा है टीवी में, पूरे गार्डन का मतलब पूरे पार्क का वो दिखाया जा रहा है। शेर मगरमच्छ सभी कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पेंगिंग्स देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं पेंगिंग्स को। ये देखिए पेंगिंग्स देखिए कैसे चल रहे हैं पानी के अंदर, देखिए कितना खूबसूरत है। पेंगिंग्स देखिए कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे पानी में देखिए तैर रहे हैं दो चार लोग। देखिए कैसे देखिए ये लोग भी पानी में ज़्यादातर रहते हैं। तो यहाँ पे खाने का पूरा वो है।